हे गाइस, मैं रॉस बताऊंगा और आज से हम रॉस के वो सब कुछ जानेंगे। बहुत आसान भाषा में कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को इतने आसान से समझ जाएं कि वो चीज़ कोई भी पूछे आपको हमेशा याद रहे। तो सबसे पहला, व्हाट इज रॉस? रॉस क्या है? सबसे पहले मन में क्वेश्चन आ चाहिए। रॉस के फुल फॉर्म ही बताता है कि क्या है ये। रॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके फुल फॉर्म से समझते हैं। रॉस, रॉस का फुल फॉर्म होता है रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब रॉस एक रोबोटिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं? तो इट इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, मतलब ये ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है और इसमें अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। एंड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड लाइब्रेरी फॉर द डेवलपिंग रोबोटिक्स एप्लीकेशन। मतलब रॉस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी आपको टूल्स मिल जाते हैं जिसके साथ को आप यूज करके अपने एप्लीकेशन को, रोबोट के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरी मिल जाती हैं जिससे आपको रोबोट के एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब रॉस को आप कहो तो एक ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, जैसे कि अपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कि विंडो और आपका एंड्रॉयड और बहुत सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसा रॉस नहीं है। रॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रेदर देन अ मिडिलवेयर लेयर, ये मिडिलवेयर लेयर दैट सिट ऑन टॉप ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स। ये लिनक्स के साथ बैठता है बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब है बेनिफिट ऑफ रॉस, आप रॉस को यूज तो कर रहे हैं पर उसके क्या बेनिफिट होते हैं? तो पहला बेनिफिट है कि रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम। अगर आप रॉस का यूज कर रहे हैं, रोबोट के एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो आप उस किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप चाहते हैं उसको आसान से आसान, मतलब जल्दी से जल्दी डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो और आपको बहुत सारा कोड लिखने की दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सेट ऑफ लाइब्रेरी मिल जाएंगी, टूल्स मिल जाएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने आपके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो और आपका टाइम बच सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, रॉस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ टूल्स एंड लाइब्रेरी डेट कैन बी यूज टू स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ रोबोटिक्स एप्लीकेशन। आप रोबोट के एप्लीकेशन जो डेवलप करना चाहते हैं, बहुत सारी रॉप्स के अंदर आपको लाइब्रेरी टूल्स मिल जाते हैं जो आपको डेवलपमेंट में ईजी करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज कोड क्वालिटी। इससे रॉस आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है और आप उसको कोड को बार बार जब जरूरत है आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं। और जैसे ये हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको हर एक चीज़ की स्टैंडर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव पोर्टेबिलिटी, मतलब आपने कोई कोड लिखा है और फिर उस कोड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फीचर भी मिलता है कि आप अपने कोड को एक जगह से दूसरी जगह कभी भी पोर्टेबल करा सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एडेप्टेबल है किसी भी इन्वायरमेंट के साथ। रॉस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू बी पोर्टेबल मीनिंग डैट इट कैन बी इजली अडेप्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट, मतलब किसी भी टाइप में रोबोट में आप एडेप्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रॉस, रॉस के क्या फीचर्स हो सकते हैं? तो आप मन में पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको फीचर बताऊं जो बहुत ज़्यादा कहा जाता है, ये ओपन सोर्स भी है तो आप इसको एक बेनिफिट ऑफ रॉस में भी गिन सकते हैं और यहाँ पे भी गिन सकते हैं। बट अब जानते हैं हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, पहला फीचर मिलता है रॉस का। मतलब यह है कि अब मान लो रोबोटिक्स की एप्लीकेशन डेवलप करें, अब वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइक मान लीजिए सेंसर यूज करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं। अब उन सभी डिवाइस को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कंपनी बनाए, कब बनाए और उसकी क्या उसकी फीचर्स हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, कैसे यूज करना है, ये सारी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके टूल्स मिल जाएंगे, लाइब्रेरी मिल जाएंगे, उसको यूज करना है और आप आसानी से उसको डेवलप कर सकते हैं। रॉस प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन द रोबोट हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल इट, मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जो आपको रोबोट हार्डवेयर जरूरत होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर को हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करता है रॉस। डेट दिस मेक इट इजियर टू डेवलप सॉफ्टवेयर डेट इज कंपेटेबल विथ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर, एस इज इससे हेल्प से अब ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं जो इजली कंपेटेबल होंगे आपके हार्डवेयर के साथ जो आप रोबोट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, रॉस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ टूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रोबोट सॉफ्टवेयर। आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसकी सहायता से आप डिफरेंट पार्ट ऑफ रोबोट
डिफरेंट पार्ट्स होते हैं रोबोट के, उन सभी के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हैं या किसी भी रोबोट के साथ। दिस मेक इट इजियर टू डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर रन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में रन हो रहे हैं उनको ईजिली कंपेटिबल कर देता है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन से दो फीचर मिले, फीचर ऑफ रॉस में पहला हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कोड यूज की फैसिलिटी भी मिलती है, आप मतलब कोई भी कोड मिला है वो आपको रॉस का मिला है, आप उस कोड को लीजिए और उसको यूज करने पर आप चाहे कुछ नया मॉडिफिकेशन करना चाहें तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यूज कर सकते। रॉस इज डिजाइन टू एंकरेज कोड यूज, रॉस पैकेज कंटेन सॉफ्टवेयर डेट कैन बी यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, नेविगेशन मतलब लोकेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। दिस मेक इट इजियर टू डेवलप न्यू रोबोट एप्लीकेशन बाय बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑन अदर। ठीक है, अब है एप्लीकेशन ऑफ रॉस, रॉस कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स इस समय जो गूगल काम कर रहा है उस पे रॉस का यूज हो रहा है। नेक्स्ट ड्रोन्स एंड अदर एरियल व्हीकल्स, आप ड्रोन्स वगैरह जो उड़ते हैं उनको में आप देख सकते हैं उसमें भी रॉस का यूज हो रहा है। ऑटोनोमस रोबोट फॉर वेयर हाउस एंड फैक्ट्री, जो ऑटोनोमस रोबोट बन रहे हैं वेयर हाउस एंड फैक्ट्री के लिए, आप बहुत सारे ऐसे रोबोट्स को देखें वहाँ पर रॉस का यूज हो रहा है। एंड पर्सनल रोबोट सच एज वैक्यूम क्लीनर एंड लॉन मॉवर्स, इन सभी में रॉस का यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो रॉस के बारे में, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।